अच्छा बच्चे की रोने की आवाज आ रही है ना? हाँ पता नहीं कहाँ से आ रही है। ओफो रील भी खराब कर दी। चल चल के देखते हैं। चल आंटी ये क्या नाटक है? तुझे दिख नहीं रहा है कि हम रील्स बना रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। ज्यादा नाटक मत कर। तेरा ये बच्चा जब से रो रहा है इसे चुप क्यों नहीं कराती है? इसकी वजह से हम रील भी नहीं बना पा रहे हैं। खराब हो गई है। अगर अब आई ना आवाज तो I'm sorry, आप लोग को मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली मेरी कार खराब हो गई है तो शायद ज्यादा गर्मी है इस वजह से मेरा बेबी रो रहा है। मैं इसे बस दूध पिलाती हूँ ये चुप हो जाएगा और आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी वजह से। अरे यार ये आंटी कैसी सी होती है, जब बच्चा संभलता नहीं है तो पैदा क्यों करती हो? बिल्कुल सही कह रही है, पहले तो बच्चे पैदा कर लेंगी फिर हम जैसों को परेशान करेंगी। सुन अगर अब तेरा बच्चा ये रोया ना तो तू सोच ले तेरे साथ क्या होगा। अगर अब हमारी रील खराब हुई ना तो ठीक नहीं होगा। यार ये कितनी बदतमीज औरत है। जी यार हम इस बच्चे के लिए यहाँ तक आ गए और इस मैडम को देखो अभी तक गाड़ी से भी नहीं उतरी। कितनी बदतमीज औरत है। तुझे पता भी है हमारे पास कितने सारे फॉलोअर्स हैं? 1,00,000 फॉलोअर्स हैं हमारे, कभी देखे भी हैं? अरे यार तू भी किसको बता रही, एक आंटी को। इसको क्या बता फॉलोअर्स और रील्स के बारे में, इसको तो बस एक चीज आती है बच्चे पैदा करना और घर संभालना। बिल्कुल सही कह रही है। हमें देखो पूरे दिन घूमते हैं इतनी मेहनत करके रील्स बनाते हैं और फिर जाकर लोगों को हम पसंद आते हैं। अरे यार तू भी किसे बता रही है, इनके दिमाग में ना सिर्फ बच्चे पैदा करने का चलता रहता है और कुछ नहीं चलता। अरे यार कुछ देश के लिए भी सोच लिया करो। तू भी किस अनपढ़ आंटी को समझा रही है, इन्हें क्या पता देश क्या होता है, इन्हें तो बस एक ही चीज़ आती है बच्चे पैदा करना। अरे यार हम भी किस आंटी पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या है, ये तो यहाँ पे बैठ के बच्चा पालेगी। हम तो देश के लिए कुछ कर ले, हमें तो कुछ करना है ना देश के लिए। यार चलते हैं। ये लीजिए मैडम। थैंक यू भैया। और कितना टाइम लगेगा, बहुत देर हो चुकी है। हाँ हाँ मैडम की गाड़ी जल्दी से ठीक कर दो, आखिर आंटी को अपने हस्बैंड की याद आ रही है ना। हाँ ताकि दूसरा बच्चा पैदा कर सके। बस मैम साहब 10-15 मिनट में, आप ऐसा करिए आप गाड़ी से उतर जाइए, गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी है बच्चा परेशान हो जाएगा। ठीक है भैया आते हो। हाँ तुम दोनों बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे अपने हस्बैंड की याद आ रही है लेकिन इस वक्त अपने परिवार से ज़्यादा मुझे अपनी धरती माँ की याद आ रही है। देखो मैं तुम लोग से बस इतना कहना चाहूँगी कि कभी ना किसी का मजाक मत उड़ाना और ना ही किसी की इंसल्ट करना। तुम दोनों भी यंग हो, आगे चल कर कभी तुम दोनों भी माँ बनोगी, तुम्हारा भी एक परिवार होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम दोनों के ऊपर होगी और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी तुम्हारे बच्चे पर होगी। मैं जब बॉर्डर पर होते हो ना तो हमेशा एक बात मेरे जहन पर रहती है कि क्या मेरे बच्चे ने ठीक से खाना खाया होगा, वो रो तो नहीं रहा होगा, वो खुश होगा तो ना। लेकिन एक बात है जिससे हमेशा मेरा दिल खुश हो जाता है कि उसका एक परिवार है जो उसे हमेशा खुश रखता है और उसकी हर चीज़ों को पूरा करता है। पर एक माँ तो माँ होती है ना, और ये धरती भी हमारी माँ है, और जब इस धरती माँ की सेवा करने का मुझे मौका मिला है तो ये मौका मैं कैसे गंवा सकती हूँ। तुम दोनों यंग हो, एजुकेटेड भी दिखती हो, फ्यूचर हो, होप हो इस देश का। देखो ये रील्स बनाना ठीक है लेकिन ये रील्स बनाने के चक्कर में अपने आसपास जो सही गलत है उसमें फ़र्क करना मत भूलो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम लोगों को इतना महंगा मोबाइल दिला के रखा है, वो इसलिए ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कभी कोई रुकावट ना आए, समझे दोनों? सॉरी मैम हमने जाने अनजाने में पता नहीं आपसे क्या कुछ कह दिया, हमें माफ़ कर दीजिए। चलो ध्यान रखो अपना। मीम साहब गाड़ी ठीक हो गई है, हम चलते हैं, ट्रेन के लिए लेट हो रही है। ध्यान रखो। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आप लोगों ने ये वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू।
आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का सही मॉरल क्या होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, मैं आप लोगों के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। और हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।